हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए हुडी वाली शॉल बनाई है। ये देखिए, इसमें हमने हुडी लगाई है। इस तरह पहनने के बाद ये इस तरह से देखिए आएगी। यहाँ पर चिट बटन आप लगा लीजिए ताकि हमारे लड्डू इसको आराम से पहन सके। इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाते हैं। ये देखिए, नीचे की साइड से 7.5 इंच है ये, और यहाँ से ये देखिए 2.5 इंच। और अगर यहाँ से नापे तो देखिए, इस तरह से दिखाते हैं, ये पूरे 4 इंच है। ये देखिए 4 इंच यहाँ से यहाँ तक है। और ये जो शॉल है हमने अपने 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। 3 और 4 को ही आराम से आ जाएगी। देखिए, तो चलिए देख लेते हैं इसको हमने बनाया कैसे है। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये पिंक कलर लेंगे। इस टाइप की हमने ये वूल ली है और 10 नंबर हम यहाँ पर नीडल्स यूज करेंगे। ये देखिए, तो इसमें हमने फंदे डाल लिए हैं सिंगल धागे से। फंदे हमने देखिए इस तरह से डाले हैं, लूजी फंदे हों, टाइट ना हो, नहीं तो नीचे से ये हल्का सा मुड़ जाता है, टाइट हो जाता है। तो इसकी हम फर्स्ट रो बना लेंगे। ये इसका बॉर्डर है नीचे से, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी 2 सलाइयां कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों साइड से उल्टी उल्टी, सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी। ये देखिए, 2 सलाइयां तो इसकी हमने कंप्लीट कर ली है बॉर्डर की, दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनाते हुए। अब इसमें हम धागा चेंज करेंगे, ये ब्लू कलर लगा लेंगे और इसकी 3rd रो बना लेंगे सीधी साइड से सीधी। ये देखिए, 3rd रो हमें इस तरह से सीधी बनानी है, सीधी साइड से। ये 3rd रो इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। पूरी सिलाई हमें सीधी ही बनानी है, इस तरह से कुछ भी चेंज इसमें नहीं करना है। देखिए, 3rd रो की हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है सीधी साइड से सीधी। अब उल्टी साइड से आएंगे और इसमें हम थोड़ा सा डिजाइन डालेंगे। एक फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। सिलाई चेंज कर लेते हैं। देखिए, आगे से थोड़ी सी ये मोटी है, हम यहाँ पर नोक वाली इसमें सिलाई लेंगे। देखिए इस तरह से नोक वाली। तो यहाँ पर एक फंदा हमने ऐसे उतार लिया, अब 2 फंदों का एक करेंगे अपनी साइड से। 2 का 1 किया, ये फंदे हमें ड्रॉप नहीं करने, हमें यहाँ पर 2 फंदों के 2 फंदे ही बनाने हैं। धागा करेंगे पीछे और अब इनको सीधा बुनेंगे। ये देखिए, 2 फंदों के 2 फंदे हो गए। फिर धागा अपनी साइड, फिर 2 फंदे लेंगे, 2 फंदे लिए, धागा पीछे, फिर इनको ऐसे बुना, धागा अपनी साइड। पहले तो हमें उल्टा 2 का 1 बनाना है, 2 फंदे लिए, 2 का 1 बनाया, धागा पीछे, फिर इनको इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे। तो 2 फंदों के 2 ही फंदे हमें कंप्लीट करने हैं। धागा अपनी साइड, फिर 2 फंदे लिए, 2 का 1 बनाया, ये फंदे ड्रॉप नहीं करने, धागा पीछे, फिर 2 का 1। ये देखिए, इस तरह से पूरा डिज़ाइन हमें बनाते जाना है। धागा अपनी साइड करना है, पहले ऐसे नहीं करना कि हमें 2 का 1 इस तरह बनाना, पहले हमें धागा अपनी साइड कर लेना है। 2 का 1 बनाया, ये फंदे ड्रॉप नहीं किए, फिर 2 का 1, बस इतना सही ये डिज़ाइन है। ये देखिए, पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। लास्ट में एक फंदा बचा है, इसको हम उल्टा बना लेंगे। देखिए, ब्लू कलर से हमने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ बनाई है, अब 2 सिलाइयाँ ही पिंक कलर से डलेंगी। दोनों कलर से 2-2 सिलाइयाँ इसमें डलेंगी। और ये देखिए, डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा ही दिखाई देने लगा है। ये धागा लेंगे
और पूरी सिलाई हम पिंक कलर से ही बनाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई बना लेते हैं सीधी। इसके बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी साइड से हम फिर से इसमें डिजाइन डालेंगे। बस हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। एक ही फंदे का हमें चेंज करना है। यहाँ पर पहले हमने एक फंदा उतारा था फिर डिजाइन डाला था। अब यहाँ पर एक उतार लिया और एक फंदा बुन लिया। धागा अपनी साइड ही रखेंगे। बस ये दो फंदे हमें इस तरह से बनाने हैं। फर्स्ट में हमने एक फंदे के बाद डिजाइन डाला, सेकंड में दो फंदों के बाद डालेंगे, फिर जब हमारा ब्लू कलर आएगा फिर एक फंदे के बाद डालेंगे। बस ये चेंज करना है। दो फंदों का एक किया धागा पीछे, फिर दो का एक। दो फंदे के दो ही फंदे बनाने हैं। धागा अपनी साइड, दो का एक, धागा पीछे, फिर दो का एक। बस ये डिज़ाइन है इसका। ये देखिए धागा अपनी साइड, दो का एक, फिर धागा पीछे, फिर दो का एक। बस इस तरह से बनाते हुए हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। इसके बाद हम ये ब्लू कलर लेंगे और डिज़ाइन हम एक फंदे के बाद डालेंगे। ये ही करना है। तो इसको बना लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए इसको हमने इतना बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से बॉर्डर के बाद हमने इसमें फर्स्ट डिज़ाइन ये ब्लू कलर से डाला। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। देखिए सात डिज़ाइन इसमें हमने डाले हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। और एक सिलाई ये कंप्लीट कर लिया सीधी साइड से सीधा बनाते हुए। तो सात डिजाइन हमने इसमें बना लिए हैं। अब देखिए इसको हम डिजाइन तो इसमें हम और नहीं डालेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई उल्टी साइड से सीधी बना लेंगे। उल्टी साइड है और सीधी सिलाई हमें बनानी है उल्टी साइड से। तो पूरी सिलाई हम बना लेते हैं। ये देखिए जैसे हमने दो सिलाइयाँ दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनाई हैं, दो सिलाइयाँ इसकी ऐसे ही बना लेती हैं उल्टी उल्टी दोनों साइड से। फिर सीधी साइड से आकर इस पर हम फ्रिल बनाएंगे। तो ये दो सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इसकी हमने चार सिलाइयाँ नीचे बॉर्डर की बना ली है। ये नीचे की साइड आएगा बॉर्डर और इसको हम बनाएंगे ऊपर की साइड का। ये भी बॉर्डर है, ये भी बॉर्डर है। अब देखिए इसमें फ्रिल बना लेंगे। एक, दो, तीन, तीन फंदे बुन लिए, फंदा वापस लेंगे, दो का एक बनाएंगे, एक फंदा कम हुआ, फिर दो का एक, दो फंदे कम, फिर दो का एक, तीन फंदे यहाँ पर कम हो गए। फिर इस फंदे को तीन बार बुन लेंगे। एक, दो, तीन, फिर यहाँ पर हम दो का एक बनाएंगे, दो का एक या एक फंदा कम हो गया, फिर दो का एक, दो फंदे कम, फिर दो का एक, तीन फंदे कम। इस तरह से देखिए इस फंदे को तीन बार बुनेंगे, फिर तीन फंदे कम कर देंगे, फिर तीन, एक फंदे को तीन बार बुनेंगे, फिर तीन फंदे कम कर देंगे। इस तरह से ये फंदे इसके हम कम कर लेते हैं, घटा लेते हैं। ये फ्रिल हमने इसकी बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये धागा इसका हमने कट नहीं किया है। यहाँ से हम इसमें फंदे उठाएंगे इसी धागे से, और ये फंदा हमने ऐसे ही छोड़ लिया था। तो देखिए सीधी साइड से अंदर की साइड को यानी उल्टी साइड को फंदे उठा लेंगे इस तरह से। यहां से हम फंदे उठा लेते हैं। इस तरह से फंदे उठा लेंगे, फिर दिखाते हैं। ये देखिए 13 फंदे हमने यहाँ पर इसमें उठा लिए हैं। बहुत ज़्यादा फंदे यहाँ पर नहीं उठाने हैं। अब इसकी एक साइड एक सिलाई बनाएंगे उल्टी साइड से सीधी। चार सिलाइयाँ हमें बनानी है, जैसे हमने देखिए यहाँ पर बनाई थी। चार सिलाइयाँ बनानी है दोनों साइड से सीधी सीधी, और सीधी सीधी बनाते हुए फिर ये वाली फ्रिल इसमें हम बना लेंगे सेम उसी तरह से। यहाँ पर बना लेते हैं, इतने ही फंदे हमें इस साइड भी उठाने हैं अंदर की साइड को यानी उल्टी साइड को सीधी साइड से, और यहाँ भी ऐसे ही फ्रिल हमें बना लेनी है। फिर आपको दिखाते हैं कि तीन साइड से हमने इसमें फ्रिल बना ली है। ऊपर की साइड हम इसमें कैप लगाएंगे
तो ये देख सकते हैं इसका लुक इस तरह से आया है। अब कैप बनाने के लिए देखिए हमने फंदे डाल लिए हैं, यहाँ पर 18 फंदे हमने इसमें डाले हैं। देखिए फंदे टाइट नहीं हो, नहीं तो कैप आगे से टाइट हो जाएगी। 10 नंबर की ही हमने यहाँ पर सिलाई ली है। तो देखिए इस तरह से इसकी हम दो सिलाइयाँ बना लेते हैं ब्लू कलर से। फर्स्ट रो हम उल्टी बनाएंगे और जो सेकंड रो बनाएंगे उसको हम उल्टी साइड से बनाएंगे सीधा। तो देखिए इस तरह से फर्स्ट रो तो हम बना लेते हैं, लास्ट वाला फंदा मैं हमेशा दोनों साइड से सीधा बुनती हूँ, लेकिन यहाँ पर इसको उल्टा बुनकर छोड़ दूंगी क्योंकि हमें धागा इस साइड ही रखना है। ये देखिए यहाँ से इस फंदे को बुनकर धागा यहीं छोड़ देंगे। अब एक सिलाई इसकी सीधी बना लेते हैं उल्टी साइड से, तो आगे की साइड दो सिलाई आ जाएंगी उल्टी उल्टी। ये बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। है और सीधी साइड पर ये दो उल्टी उल्टी लाइनें आ गई हैं। ये धागा इसका हमने कट कर दिया है ब्लू वाला। अब लगाएंगे पिंक इस तरह से, और ये जो देखिए धागे वगैरह इसमें लटक जाते हैं इस तरह से दबा लेंगे। ये तीनों धागे हम यहाँ पर दबा लेंगे, थोड़ा सा आगे जाकर इनको फिर कट कर देंगे। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इस तरह से। अब इसको हमें पिंक कलर से ही बनाना है। ये धागे देखिए इस तरह से दबाएंगे, 18 फंदे हैं और तीसरी सिलाई में देखिए हमने कलर चेंज इसमें कर दिया है। अब ये धागे इसके कट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से पता भी नहीं चलता। अब इसकी तीसरी सिलाई में देखिए हमने कलर चेंज किया है और इसको हमें सीधा बनाना है, सीधी साइड से और उल्टी साइड से उल्टा बनाना है। इस तरह से अब उल्टी साइड से इसको उल्टा बनाएंगे। ये फंदा उतार लिया और पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो इसकी कुछ सिलाइयाँ हम बना लेते हैं फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए इसकी हमने 10 सिलाइयाँ बना ली है पिंक कलर से, दो हमने ब्लू से बनाई, 10 बनाई हैं पिंक कलर से। टोटल हमने इसमें 12 सिलाइयाँ कंप्लीट की है। अब इन फंदों को हाफ हाफ करेंगे, 9 फंदे हम इस सिलाई में लेंगे, 18 फंदे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, अंदर की साइड हम ये सीधे वाला करेंगे और बाहर लेंगे हम उल्टा, ये ध्यान रखना है। अब दोनों साइड से एक एक फंदा सिलाई पर उतार लेंगे, एक इस सिलाई से लेंगे, एक इस सिलाई से, एक इस सिलाई से। इस तरह से फंदे उतार लेने हैं और सिलाई से ही हम इनको बंद करेंगे। आप चाहे तो इनको यहाँ से घटाकर सुई से सील भी सकते हो। ये देखिए इस तरह से ये सारे फंदे हमने एक सिलाई पर उतार लिए हैं। अब सबसे पहले तो हम दो का एक करेंगे, दो फंदों का एक बनाया, ये फंदा वापस लेंगे। अब तीन तीन फंदे एक साथ लेंगे, तीन का एक किया फंदा वापस, तीन का एक फंदा वापस, फिर तीन का एक। इस तरह से हम ये सारे फंदे इसके बंद कर देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब इसको हम सील देंगे, कैप हमने तैयार कर ली है। ये देखिए इस तरह से इसको हमें फोल्ड करना है सीधा। और देखिए यहाँ से भी सीधा हमें इस तरह से, ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है जहाँ हमने देखिए इसको फोल्ड किया है। यहाँ से इसमें हम इस तरह से नीडल डालेंगे, यहाँ से नोट लगा देंगे। देखिए धागे को लॉक करेंगे, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ से जहाँ से इसको हमने सिला है, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से इसको इस तरह से लेंगे और पहले इस साइड को सिलेंगे फिर इस साइड को, क्योंकि यहाँ से इस तरह से जब हम सिलते हैं तो बिल्कुल इक्वल सिलता है, कम या ज़्यादा नहीं हो पाता।
इस तरह से। तो इसको सील लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि ये बना कैसा है। ये देखिए कैप हमने इसमें लगा ली है, ये देख सकते हैं छोटा सा क्यूट सा ये सोल बनकर रेडी है। देखिए हुड वाला, देखिए आप लोग भी बनाए और कमेंट करके बताएं कि हमारी बनाई सोल आपको लगी कैसी। यहाँ पर इसमें आप चिट बटन लगा लीजिए इस तरह से, डोरी तो काम नहीं करेगी लेकिन चिट बटन इसमें यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ऐसे। ये देखिए इसकी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी बनाई ये शॉल आपको लगी कैसी है। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। राधे राधे।